अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेच्या दुसऱ्या दिवशी आज लोकसभेत राहुल गांधी यांचं भाषण झालंय आणि भाषणाची सुरुवातच त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना चिमटे काढत केली आहे। काल तुम्ही माझी वाट बघितली पण आज घाबरू नका, मी आज अदानींवर फार बोलणार नाही असे टोले त्यांनी लगावले। भारत जोडो यात्रेत माझा अहंकार गळून पडला असंही त्यांनी म्हटलं। मात्र पुढे अतिशय आक्रमक होत त्यांनी मणिपूर हिंसाचारावरून सरकारवर घणाघात केला। मोदी सरकारने मणिपूरचे दोन तुकडे केले आणि भारताची हत्या केली हा आरोप त्यांनी केला। सभागृहात एकच गदारोळ यामुळे झाला। मणिपूरमध्ये सरकारने सैन्याचा वापर करायला हवा होता असंही त्यांनी पुढे म्हटले आहे। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, अपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो।